स्वागत है आपका आरएस क्लास में। मैं कौशल सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं भारतीय दंड संहिता 1860, तो भारतीय दंड संहिता 1860 में हम पढ़ चुके हैं धारा 85 तक हम अध्ययन कर चुके हैं। अब जो क्लास चलेंगी आपकी वो धारा 86 से चलेंगे। चलिए भारतीय दंड संहिता धारा 86 से देखिए। ये धारा 86 जो है आता है, ये आता है अध्याय 4 के अंतर्गत। कितना? अध्याय 4 के अंतर्गत आता है ये। अध्याय 4 आज जो स्टार्ट होंगी आपकी धारा वो होंगी धारा 86 से। तो आइए देखते हैं धारा 86 और एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो कहीं मत जाइएगा और वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा जितने भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं पहली बार, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये हमारी जो क्लास है ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे देख सके। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए शुरू से बिल्कुल एंड तक देखिएगा, कहीं पर छोड़ के मत जाइएगा, स्क्रिप्ट मत कीजिएगा वीडियो। चले देखें धारा 86 क्या कहती है। देखिए धारा 86 कहती है आपकी मध्यता में किया गया कार्य, देखिए धारा 86 कहती है आपकी मध्यता में किया गया कार्य कोई बात अपराध नहीं होगी जो कि मध्यता में की जाए, कोई बात अपराध नहीं होगी। कोई बात अपराध नहीं होगी जो कि मत्तता के द्वारा की जाए। मत्तता का मतलब होता है यानी मस्ती, मस्ती। देखिए मत्तता का मतलब होता है मस्ती। मत्तता मतलब होता है मस्ती, यानी मस्ती में की गई कोई बात अपराध नहीं मानी जाएगी। वो तो एक एंजॉय कर रहे थे सारे फ्रेंड मिलके, जो एंजॉय करते हैं तो आपस में हाथ वात भी मार देते हैं किसी के और गाली गलौज भी हो जाती है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। हालांकि उसे ये विशिष्ट ज्ञान का आशय ना हो, जैसे कि कोई बात कोई अपराध कर रहा है उससे वो विशिष्ट ज्ञान के तहत ना की गई हो, यानी ऐसा नहीं है कि मस्ती में आप किसी का मर्डर कर दो और वो मत्तता की श्रेणी में आ जाए, उसको धारा 86 के अंतर्गत वो नहीं आएगा। अगर मत्तता की मत्तता के उस मस्ती में आकर तुम किसी का मर्डर कर देते हो तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। मत्तता में खाली वही आएगा जो सहनशीलता के योग्य होगा, जो बात अपराध नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये आप धारा 86 क्लियर हो चुकी है आपकी। अब आती है आपकी धारा 87। देखिए धारा 87 क्या कहती है आपकी। धारा 87 कहती है आपकी सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर अपत्ति करने का आशय ना हो, तो ये सम्मति से किया गया कार्य। देखिए सम्मति से किया गया कार्य, किसी की सहमति यानी सहमति, सम्मति होती है यानी सहमति, सहमति से किया गया कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो कि सहमति के द्वारा की जाती है। देखिए कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है जो कि सहमति के द्वारा की जाती है, यानी आपस में दो दोस्त हैं, आपस में दो दोस्त हैं का और खा, आपस में दो दोस्त हैं। अब आपस में ये दोस्त
होते हुए अगर ये आपस में कोई पटेबाजी करते हैं या सहमति करते हैं, आपस में सहमति करते हैं और ये कोई खेल खेलते हैं, अगर उसमें इनमें कोई आपस में सहमति में होते हुए कोई बात हो जाती है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी, क्योंकि वो आपसी सहमति के लिए हो रही थी, आपसी सहमति के लिए वो बात हुई थी, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। ये आपकी धारा 87 कहती है, आपकी धारा 87 क्या कहती है, आपसी सहमति से किया गया कोई कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। चलिए धारा 88 क्या कहती है आपकी, धारा 88 कहती है आपकी किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य। देखिए देखिए किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य कोई बात अपराध नहीं होगी, कोई बात अपराध नहीं होगी। देखिए देखिए कोई बात अपराध नहीं होगी, बशर्ते वो किसी फायदे के लिए की जाए, किसी दूसरे व्यक्ति के फायदे के लिए की जाए वो बात अपराध नहीं मानी जाएगी। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, आप एग्जांपल ले लीजिए का नाम का व्यक्ति जो है, का नाम का व्यक्ति जो है किसी दर्द पीड़ा से, बहुत ही ग्रसित पीड़ा से परेशान है, यानी ग्रसित है पीड़ा से, बहुत ही परेशान है, और या जो है एक डॉक्टर है, शल्यकर्मी है। देखिए या जो है शल्यकर्मी, इसमें आईपीसी में जो बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध हिंदी कहा गया है, जो कि पहले जमाने की बनाई गई है। शल्यकर्मी का मतलब होता है देखिए डॉक्टर, डॉक्टर जो है शल्यकर्मी है, शल्यकर्मी यानी ऑपरेशन करने वाला, क्या है डॉक्टर, ऑपरेशन करने वाला। देखिए ऑपरेशन करने वाले को कहते हैं शल्यकर्मी, यानी शल्यकर्मी किसे कहते हैं, शल्यक्रिया ऑपरेशन को कहते हैं, और शल्यकर्मी किसे कहते हैं, जो शल्य ऑपरेशन कौन करता है, डॉक्टर, तो शल्यकर्मी कौन हुआ, डॉक्टर। तो ये आपका यहां पे डिफाइंड हो गया। अब ये कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए की जाए, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए की जाए वो बात अपराध नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए का जो है, का जो है एक दर्द भरी पीड़ा से ग्रसित है, जिसके पेट में पथरी है, पथरी है। अब ये जो इसका संरक्षक है, संरक्षक होता है इसका, आप मान लीजिए या आ इसका संरक्षण है काका। अब जो है इसका ऑपरेशन कराने के लिए, शल्यक्रिया करवाने के लिए या के पास ले जाता है, जो कि एक डॉक्टर है, जो कि एक डॉक्टर है, या के पास ले जाता है इसकी शल्यक्रिया कराने के लिए। अगर उस शल्यक्रिया करने के दौरान, अगर उस शल्यक्रिया करने के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है तो या ने कोई, सॉरी काकी मृत्यु हो जाती है तो या ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसका इंटेंशन, उसका आशय इसे मारना नहीं था, क्या नहीं था, उसका आशय इसे मारना नहीं था, और उसका आशय क्या था, उसका आशय था सिर्फ इसकी जान बचाना, इसकी जान बचाना उसका आशय था, ना कि इसे मारना, तो ये एक अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा 88 क्या कहती है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य, यानी वो उसके फायदे के लिए ही तो किया जा रहा था वो कार्य, किसके लिए, का के फायदे के लिए, जिसके पेट में पथरी थी, वो बहुत ही दर्द से परेशान था, उसके दर्द हो रहा था, और उसकी शल्यक्रिया कराने के लिए यानी ऑपरेशन कराने के लिए आ उसको या नाम के डॉक्टर के पास लेके जाता है, और वो इसका ऑपरेशन करता है, और वो इसके फायदे के लिए ही कार्य कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति का अपना फायदा कर नहीं रहा है, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये कहती है आपकी धारा 88, धारा 88 आपकी ये कहती है। चलिए इसे रफ करते हैं, इसे रफ करते हैं, देखिए इसे रफ करते हैं, देखिए देखिए अब आती है आपकी धारा 89। धारा 89 क्या कहती है, संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से
देखिए संरक्षक द्वारा, धारा नवासी कहती है आपकी, देखिए धारा नवासी कहती है आपकी संरक्षक द्वारा किया गया कोई कार्य, संरक्षक द्वारा किया गया कोई कार्य। अब संरक्षक हो सकता है वो किसी शिशु का भी हो सकता है, शिशु का भी संरक्षक हो सकता है ना, शिशु का भी संरक्षक होता हो सकता है वो, और किसी महिला का भी संरक्षक हो सकता है। संरक्षक तो संरक्षक हुआ, जैसे कि माँ बाप होते हैं अपने बच्चों के संरक्षक, या फिर किसी के संरक्षक में, जैसे कि स्कूल बच्चा चला जाता है तो उनका संरक्षक कौन हुआ वहां पे, उनके टीचर हुए वहां पे, वही तो देखभाल करेंगे उनकी, तो सिर्फ संरक्षक। देखिए संरक्षक द्वारा किया गया कोई कार्य, अब मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए आप धारा नवासी का, धारा नवासी का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। देखिए संरक्षक द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होगा, देखिए कोई बात अपराध नहीं है, यह धारा 88 से बिल्कुल कनेक्ट है, कोई बात अपराध नहीं है, ये धारा 88 से बिल्कुल कनेक्ट है, कोई बात अपराध नहीं है जो कि संरक्षक द्वारा की जाए, संरक्षक द्वारा की जाए। मान लीजिए ए जो है शिशु है, ए जो है शिशु है डी का, डी का ए शिशु है, बालक है, ये क्या है बालक है। अब ये इतनी परेशानी से ग्रसित है जो कि इसका अगर ऑपरेशन ना किया गया तो हो सकता है इसकी मृत्यु हो जाए, और अगर ऑपरेशन किया गया तो भी इसकी मृत्यु हो जाए, ना कि उसका आशय यह था कि इसकी मृत्यु हो ही जाए, उसका आशय उसे मारने का नहीं था, लेकिन ऑपरेशन करना बहुत ही जरूरी है। तो बी जो है शल्यकर्मी है, क्या है बी, बी जो है शल्यकर्मी है, बी जो है शल्यकर्मी है जो ए नाम के शिशु का ऑपरेशन करता है, यानी शल्य क्रिया करता है, और उस शल्य क्रिया करते समय, वो शल्य क्रिया करते समय अगर ए की मृत्यु हो जाती है तो बी ने कोई अपराध नहीं किया, क्या नहीं किया, बी ने कोई अपराध नहीं किया अगर शल्य क्रिया करते समय ए की मृत्यु हो जाती है, ना ही बी ने अपराध किया है और ना ही डी ने अपराध किया है जो कि इसका संरक्षक है। तो धारा नवासी क्या कहती है आपकी, संरक्षक द्वारा किया गया कार्य कोई बात अपराध नहीं होगी जो संरक्षक द्वारा की जा रही है, हालांकि उसका इंटेंशन यानी आशय उसका उसे मारने का ना हो। देखिए देखिए धारा 90 क्या कहती है आपकी, धारा 90 क्या कहती है आपकी, धारा 90 कहती है सम्मति, जिसके संबंध में यह ज्ञात हो वो भय के कारण दी गई है, जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वो भय के कारण दी गई है, कोई सम्मति हुई। देखिए उन्मत्त व्यक्ति के सम्मति, उन्मत्त यानी जो कोई पागल व्यक्ति हो, पागल व्यक्ति हो या फिर मत्तता की दशा में दी गई हो, या तो वो पागल हो, पागल व्यक्ति हो, या मत्तता की दशा में दी गई सम्मति सम्मति नहीं मानी जाएगी। मत्तता यानी पागल मस्ती में दी गई हो, अभी जो बताया था मैंने आपको मस्ती, मत्तता यानी मस्ती के कारण कोई सम्मति दी गई हो वो सम्मति सम्मति नहीं मानी जाएगी, और अगर कोई पागल व्यक्ति कोई कहता है कि यह ताजमहल तेरा हुआ तो वो सम्मति थोड़ी मानी जाएगी, ताजमहल थोड़ी हो जाएगा, ताजमहल तो अगर कोई अच्छा व्यक्ति कह दे तो वो भी नहीं होगा। अगर पागल व्यक्ति कहता है कि ये घर तेरा हुआ तो ये सम्मति सम्मति नहीं मानी जाएगी, वो पागल था, और अगर मस्ती में मजाक में कह देता है कि ये घर तेरा हुआ तो भी सम्मति सम्मति नहीं मानी जाएगी। अब आ जाती है आपकी दूसरी, दूसरी क्या आती है, शिशु की सम्मति। देखिए शिशु की सम्मति,
देखिए कोई शिशु, देखिए कोई भी 12 वर्ष से कम, देखिए कोई भी 12 वर्ष से कम का बच्चा हुआ, अगर वो सम्मति देता है, अगर वो सम्मति देता है 12 वर्ष से कम का, सम्मति देता है, 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा अगर कोई सम्मति देता है तो वो सम्मति की श्रेणी में नहीं आएगा। ये क्या कहती है आपकी धारा 90, धारा 90 कहती है आपकी भय या मत्तता या पागल की श्रेणी में जो व्यक्ति आते हैं, वो व्यक्ति अगर अपनी सहमति देते हैं किसी चीज के लिए तो वो सहमति सहमति की श्रेणी में नहीं आएगी। चलिए ये धारा 90 हो गई आपकी। अब आ जाती है आपका धारा 91। देखिए धारा 91, धारा 91 क्या कहती है आपकी, धारा 91 कहती है आपकी, धारा 91 कहती है आपकी ऐसा कार्य जो स्वयं ही अपराध हो, ऐसा कार्य, देखिए ऐसा कार्य जो स्वयं ही अपराध हो, ऐसा कार्य जो स्वयं ही अपराध हो वो अपराध की श्रेणी में आएगा धारा 91। ये कहती है आपकी धारा 91, धारा 91 आपकी ये कहती है। मान लीजिए का जो है स्त्री, का नाम की स्त्री जो है एक दर्द भरी पीड़ा से ग्रसित है, जो कि प्रेग्नेंट है, जो कि प्रेग्नेंट है और वो दर्द भरी पीड़ा से ग्रसित है, अगर उसका कोई शल्य क्रिया कराई जाती है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। अगर वह दर्द भरी पीड़ा से ग्रसित नहीं है और उसकी जो है वो अबॉर्शन जो है वो गर्भपात जो है कराया जाता है, देखिए गर्भपात जो करा देते हैं, अगर उसे कोई परेशानी नहीं है, उस महिला को कोई परेशानी नहीं है और फिर भी उसका गर्भपात करा दिया जाता है तो स्वतः ही अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। यह आपकी धारा 91 कहती है। आपकी धारा 91 क्या कहती है, गर्भपात करना यानी जो कि स्वयं ही अपराध की श्रेणी में आता है, गर्भपात करना वो अपराध की श्रेणी में अपने आप ही आ जाता है। अगर महिला को कोई परेशानी नहीं होती है उस टाइम गर्भपात करा दिया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा आपका, स्वतः ही अपराध की श्रेणी में आने वाले अपराध धारा 91 आपको इंगित करती है। चलिए रफ करते हैं इसको, रफ करते हैं इसको। साथ बने रहिएगा हमारे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो लाइक किए ना नहीं जाइएगा वीडियो पे। दावा करता हूं पूरा वीडियो समझ में आएगा, जितनी भी धारा में अध्ययन करा रहा हूं यहां पे हर एक धारा आपको समझ में आएगी और दिमाग में ऐसी बिठा दूंगा कि बिल्कुल पूरी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए पूरी धारा याद करा दूंगा आपको, बस साथ बने रहिए, साथ दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए अब आ जाता है आपका धारा 92। 92 क्या कहती है आपकी, देखिए धारा 92, धारा 92 क्या कहती है आपकी, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सलाह पूर्वक किया गया कार्य। देखिए सम्मति के बिना देखिए धारा 92 कहती है आपकी सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया सद्भाव पूर्वक कोई कार्य,
सम्मति के बिना, यानी उसकी उसमें सम्मति ना हो और उसके फायदे के लिए कोई कार्य किया जा रहा है तो वो बात अपराध नहीं होगी। देखिए, कोई बात नहीं होगी, कोई बात अपराध नहीं होगी अगर वो किसी की सम्मति के बिना और उसके फायदे के लिए की जा रही है। देखिए, का नाम का व्यक्ति जो है, का नाम का व्यक्ति जो है एक घोड़े पे सवारी कर रहा होता है, घोड़े की सवारी कर रहा होता है और वो घोड़ा घोड़े की सवारी करते करते अगर वो कहीं गिर जाता है, घोड़े की सवारी करते करते अगर वो व्यक्ति गिर जाता है, का नाम का व्यक्ति जो है वो गिर जाता है घोड़े की सवारी करते करते और उसकी हड्डी जो है पसली हड्डी टूट जाती है, टूट जाती है और उसका ऑपरेशन करना बहुत ही जरूरी है। तो वो इतना वो अचेत तो नहीं है कि वो अपना सहमति दे दे कि इसका ऑपरेशन कर दिया जाए या मुझे ठीक कर दिया जाए। मान लीजिए वो बेहोश हो चुका है तो इसमें क्या होगा, सम्मति के बिना, उसकी सम्मति के बिना या जो है शल्य कर्मी है। क्या है? या जो है शल्य कर्मी है अगर उसका ऑपरेशन करता है, किसका, का जो कि पीड़ा से ग्रसित है घोड़े से गिरने के कारण, अगर उसकी शल्य क्रिया करता है उसकी सम्मति के बिना तो याने कोई अपराध नहीं किया है। क्या नहीं किया है? तो याने कोई अपराध नहीं किया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक भवन हुआ, एक घर हुआ या बिल्डिंग मान लो, कुछ भी मान लो, इसमें एक शिशु है और इसमें क्या होता है, इस बिल्डिंग में जो है आग लग जाती है, इस बिल्डिंग में क्या होता है, आग लग जाती है। और का नाम का व्यक्ति जो है इसको बचाने के लिए इसकी बिना सम्मति के, ना ही इसके घर वालों की सम्मति के और ना ही इसकी सम्मति के बिना इसको बचाने निकल जाता है, और जो कि तीसरे माले पर है जो शिशु बिल्डिंग में जिसमें आग लगी हुई होती है, और वो तीसरे माले को बचाने के लिए शिशु को जाता है और तीसरे माले से जो कि विंडो होता है या बालकोनी होती है, उस शिशु को जो नीचे व्यक्ति होते हैं वो कमर ताने हुए खड़े होते हैं, उस शिशु को ऊपर बिल्डिंग से अगर नीचे फेंकता है, उस शिशु को नीचे बिल्डिंग पे बिल्डिंग से अगर नीचे फेंकता है जो कि व्यक्ति कमर ताने हुए होते हैं, तो का ने कोई अपराध नहीं किया। अगर वो शिशु कंबल पे ना जाके नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो का ने कोई अपराध नहीं किया, उसकी जान बचाने के लिए काम उसने किया था, ना कि उसका आते था उसे मारना, मृत्यु कार्य करना, तो का ने कोई अपराध नहीं किया। क्या नहीं किया? का ने कोई अपराध नहीं किया। एक और एग्जांपल देखते हैं, समझ में आएगा आपकी, देखिए बहुत ही बारीकी से समझ में बैठिएगा। अभी धारा 92 एक और एग्जांपल लेते हैं। का नाम के शिशु को एक बाघ उठाकर ले जाता है, का नाम के शिशु को, या नाम का व्यक्ति जो है उस शिशु की जान बचाने के लिए उस पर गोली से फायर करता है, और उसे पता है कि अगर ये गोली शिशु को लग गई तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है, उसकी सम्मति के बिना गोली से फायर करता है। अगर बाघ मर जाता है तो कोई बात है ही नहीं, अगर उस कारण वो शिशु भी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो याने कोई अपराध नहीं किया, उसका आशय का को मारना नहीं था, उसका आशय था उसकी जान बचाना, तो उसकी जान बचाना उसका आशय था, इसलिए याने कोई अपराध नहीं किया। अब यह आपकी अच्छी तरह समझ में बैठ रही होगी, धारा 92। अब आती है आपकी धारा 93। देखिए धारा 93 क्या कहती है आपकी, धारा 93 कहती है आपकी, चलिए साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, सद्भाव पूर्वक दी गई सूचना 93 कहती है आपकी। देखिए, सद्भाव पूर्वक अगर कोई सूचना दी जा रही है, देखिए सद्भाव पूर्वक कोई सूचना दी जाती है
देखिए, हाँ इस पे उड़ान होगा। सद्भाव पूर्वक कोई सूचना दी जाती है, यानी किसी व्यक्ति से जो कोई बीमार है, मान लीजिए का नाम का व्यक्ति जो है, का नाम का व्यक्ति जो है बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, मान लीजिए इसे कैंसर हो जाता है, कैंसर हो जाता है इस व्यक्ति को, का नाम के व्यक्ति को, और डॉक्टर जो है, जो जो डॉक्टर है जो कि खा शल्यकर्मी है, क्या है जो कि शल्यकर्मी है खा, इसे यह सूचना दे देता है कि तुम्हें कैंसर है और तुम्हारा बचना बिल्कुल ही मुश्किल है, तुम्हारी मृत्यु होना तय है इस ऑपरेशन के कारण, मृत्यु होना तय है, अगर यह ऑपरेशन ना हुआ फिर भी तुम्हारी मृत्यु होना तय है। तो यह सूचना खा जो है, यह सूचना जो शल्यकर्मी है, यह सूचना का को दे देता है, और उसकी ये बात सुनकर, यानी ये सूचना सुनकर उस का नाम के व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है, तो खा ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने सद्भाव पूर्वक यह सूचना दे दी थी कि तुम्हारा मृत्यु होना निश्चित है। तो यह किसमें आएगा, धारा 93 में आएगा, सद्भाव पूर्वक दी गई सूचना धारा 93 में अंकित की जाएगी। ये चलिए आगे देखते हैं, इसे रफ करते हैं, पहले देखिए बने रहिएगा साथ और कहीं मत जाइएगा, एक एक धारा आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाएगी, साथ बने रहिएगा, बस साथ दीजिएगा, एक एक धारा आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह बैठ जाएगी। देखिए 93 हो गई, हाँ एक एक धारा आपके दिमाग में बैठ जाएगी, साथ बने रहिए, बस कहीं मत जाइएगा छोड़ के। देखिए अब आ जाती है आपकी धारा 94, देखिए धारा 94 क्या कहती है आपकी, धारा 94 कहती है आपकी कोई कार्य, कोई कार्य जो धमकियों द्वारा कराया जाए, कोई कार्य जो धमकियों द्वारा कराया जाए वो बात अपराध नहीं होगी। देखिए कोई बात अपराध, कोई बात अपराध नहीं होगी जो कि धमकियों द्वारा कराया जाए, या उसे दरा धमका कर या पीट कर उसे विवश कराकर उससे कोई कार्य कराया जाता है, तो वो बात अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल पहला ले लेते हैं, एग्जाम्पल पहला लेते हैं, यदि कोई कार्य उसे पीट कर, देखिए कोई कार्य, पीट कर का के द्वारा कोई कार्य कराया जाता है, का द्वारा कोई कार्य पीट कर कराया जाता है कि इस कार्य को कर वरना हम तुझे मारेंगे और जोर से पीटेंगे, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। मारने पीटने के द्वारा कोई कार्य कराया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यह एग्जाम्पल लेते हैं, एक लोहार है, कोई लोहे बनाने वाला, कोई लोहार है जो कि घर जा रहा होता है, जो घर जा, जो कि घर जा रहा होता है अपना सामान लेकर, जो कि इसके पास हथौड़ा वगैरह छेनी वगैरह सारे सामान होते हैं, उसे डाकुओं की एक टोली मिल जाती है, देखिए डाकुओं की टोली मिल जाती है उसे, और वो कहती है उसे डरा धमका कर कि इस घर का ताला तोड़ो, ये एक मकान है, इसका ताला तोड़ो नहीं तो हम तुझमें गोली मार देंगे या तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे। और वो जो है डर के मारे, जो का नाम का व्यक्ति है वो डर के मारे इस घर का अगर ताला तोड़ता है तो उसने कोई कार्य, कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि वो उसने
धमकी के रहते वो कार्य किया था, उसने कोई अपराध नहीं किया है। ये आप धारा 94 के अंतर्गत बहुत ही अच्छी तरह समझ गए होंगे। धारा 94 कहती है धमकियों द्वारा कराया गया कोई कार्य वो कार्य अपराध की श्रेणी में। देखिए धारा 95 क्या कहती है आपकी, धारा 93 सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के, देखिए सभा पूर्वक दी गई सूचना, ये थी सभा पूर्वक दी गई सूचना, हाँ सही है। अब आ जाते हैं देखिए 94 95 पे। नाइन्टी फाइव आपको कहती है तुच्छ अपहानि कार्य करने वाले कार्य। देखिए तुच्छ अपहानि कार्य करने वाले कार्य कोई बात अपराध नहीं है। कोई बात अपराध नहीं है। देखिए कोई बात अपराध नहीं है, छोटा सा एक एग्जांपल ले लीजिए इस धारा 95 का। धारा 95 का एक एग्जांपल ले लीजिए, ये एक खेत हुआ, ये एक खेत हुआ जिसमें कि गन्ने की फसल उग रही है, क्या हो रहा है इसमें, इसमें एक गन्ने की फसल उग रही है और इस गन्ने की फसल में से का नाम का व्यक्ति जो है एक गन्ना उखाड़ कर ले जाता है, तो वो जो गन्ना का जो मालिक है, खेत का मालिक है, अब इसकी FIR थोड़ी कराएगा वो, यानी तुच्छ अपराध जो जिनकी की रिपोर्ट दर्ज ना कराई जा सके या फिर उनकी शिकायत ना की जा सके, जिनकी शिकायत ना की जा सके वो तुच्छ अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब उसने का नाम के व्यक्ति ने इस खेत से गन्ना तोड़ लिया, अब वो इसकी FIR कराने थोड़ी जाएगा कि उसने मेरे खेत में से एक गन्ना तोड़ लिया, इसकी FIR दर्ज कीजिए आप, तुच्छ अपराध की श्रेणी में आते हैं वो। तो उसने जो गन्ना तोड़ा उस खेत से तो उसकी वो FIR नहीं कराया, क्या था ये, तुच्छ अपराध है, यानी छोटा अपराध, कोई छोटी बात, क्योंकि मोटो आउट ऑफ हो जाती है कहीं रास्ते में चलते, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी, अगर ज्यादा बड़ी ले ली तो तूल पकड़ जाएगी, छोटी सी ही कोई बात अपराध हो जाती है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। ये कहती है आपकी धारा 95। धारा 95 कहती है तुच्छ अपराध, जो कोई अपराध हुआ, छोटा अपराध हुआ, वो अपराध की श्रेणी में आपको नहीं आएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा देख सके, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी और आपको कैसा समझ में आया। तो आज हो गई है धारा 95, तो कह सकते हैं ना यहां धारा 86 से धारा 95 तक, इससे आगे की धारा जो कि वो हम कल देखेंगे, इससे आगे की धारा हम देखेंगे प्राइवेट प्रतिरक्षा, क्या देखेंगे, प्राइवेट प्रतिरक्षा, सेल्फ डिफेंस जैसे कहते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा, वो आगे की क्लास में देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।